फिर बोले हैं डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, 3 साल में 750 रुपए पेंशन बढ़ी है, तो पेंशन जो है वो 750 रुपए बढ़ी है। तो ये तमाम बातें साझा की हैं डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। साथ ही कहा हमारी इच्छा 5100 रुपए पेंशन करने की थी, कार्यकाल का भी 1.5 साल बाकी है। तो दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पेंशन करने की जो इच्छा थी वो हमारी 5100 रुपए थी, कार्यकाल का अभी 1.5 साल बाकी है। तो ये तमाम बातें साझा की हैं दुष्यंत चौटाला ने। तो पेंशन को लेकर एक बार फिर से बोले हैं डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला। साथ ही कहा है कि 3 साल में 750 रुपए पेंशन बढ़ी है, हमारी इच्छा 5100 रुपए पेंशन करने की थी। मैं इतना बोल सकता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अनिल विज जी कमेटी के चेयरमैन थे, मुख्य एजेंडे तय हुए, उसके अंदर दोनों पार्टीज की प्रायोरिटी भी तय हुई, किसके किस किस स्टेप पे क्या क्या एक्शन लिया जाएगा वो भी तय हुआ, और उसमें अधिकतम चीजें पूरी हुई। पेंशन बढ़ी 750 रुपये 3 साल में बढ़ी, इसके लिए मैं दोनों पार्टियों का आभार करता हूँ। बिल्कुल हमारी इच्छा 5100 की थी, उनकी बात 3000 की थी, ये तो अभी 1.5 साल है, कितनी बढ़ेगी कब बढ़ेगी इसको आज प्रिडिक्ट करना तो मुमकिन नहीं है, सूद सी बैठेगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है ओपी चौटाला के बयान पर। बोले डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, तो जेजेपी को इनेलो के साथ जाने की जरूरत नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी को इनेलो के साथ जाने की जरूरत नहीं है, इनेलो से हमें बाहर निकालने के बाद ही जेजेपी का जन्म हुआ है। प्रदेश में 2% वोट शेयर वाले दल से गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो ये जो बयान है वो यहां पर दिया गया है। दरअसल ओपी चौटाला ने जो बयान दिया था उसके बाद डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी ये जो बयान है वो सामने आया है। साथ ही कहा कि इनेलो से हमें बाहर निकालने के बाद ही जेजेपी का जन्म हुआ, प्रदेश में 2% वोट शेयर वाले दल से गठबंधन की जरूरत नहीं है। प्रदेश में 2% वोट शेयर वाले दल से गठबंधन की जरूरत नहीं है। ना तो जेजेपी इनेलो के साथ जाएगी, और एक चीज कह सकता हूं मैं, जेजेपी का जन्म इनेलो से हमें बाहर निकालने के बाद, हमने मेहनत करी और मेहनत का नतीजा एक एक कायदा की ये था, चाहे हम उपचुनाव में दूसरे स्थान पर आए, चाहे लोकसभा के अंदर प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहे, और विधानसभा में हमारे 10 विधायक और 18% वोट शेयर हमारी पार्टी को मिला, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, और मुझे लगता है एक एक कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहा है, और हमें किसी के साथ और गठबंधन करने की आज जरूरत नहीं, और स्पेशली ऐसा दल जो प्रदेश में 2% वोट शेयर पर हो।